बच्चे को कभी मना नहीं करती, तो ये भी कभी मना नहीं करेंगी, ये ज़रूर आएंगी आपकी मदद के लिए, ठीक है। बच्चों को पुकारने की देर होती है, हज़ार काम छोड़ के भी माएँ आती हैं, वही इनके साथ वही कैरेक्टर है इनका। हाय फ्रेंड्स, आज हम गॉडेस क्वान शी ह्यून के बारे में बात करने जा रहे हैं, द गॉडेस द बुद्धिस्ट वा, ओके। अच्छा, अभी इनके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो ये कि अगर हम इनके बारे में आप रिसर्च करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई और नहीं है, ये इंडियन ओरिजिन से ही हैं, और यहाँ पे इनको अवलोकितेश्वरा के नाम से जाना जाता था, और ये तब चाइना जा करके वहाँ पे फिर ये क्वान येन के नाम से जाने जाने लगे, और इनको काफ़ी सारे ऐसे पावर्स मिले, इस तरह की शक्तियाँ मिली, जिसमें कि सबसे पहली जो पावर है वो आप इनकी जब पिक्चर देखोगे, आप उसमें देखोगे एक ग्रीन कलर का वास है इनके हाथ में, वो वास में अमृत तत्व है, अमृत है, ओके। और वो अमृत इनके पास इसलिए है कि जो लोग भी जीवन मृत्यु के संघर्ष में होते हैं, सिंपल सी बात है, भाषा में बताऊं आपको तो, जो जहाँ पे हमें हेल्थ कंडीशंस में ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी आप इनको कॉल करो तो ये तुरंत ही रिप्लाई देती हैं, तुरंत ही आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इन गॉडेस को अगर आप मानो तो इनको आप मदर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। आप मदर की तरह आप इनसे प्रेयर करो, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हो। मैंने इनके बारे में जितना पढ़ा, जितना जाना, उसके बाद सिर्फ इतना समझ आया कि ये वो गॉडेस हैं, इनके पास वो पावर्स हैं कि ये हमारे कर्मों को ख़त्म कर सकती हैं, हमें मदर की तरह हमारे हमें प्यार से प्रेम से भर सकती हैं, अनकंडीशनल लव देती हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनको जैसे ही पुकारो, प्रार्थना करो, तुरंत आपकी मदद के लिए आती हैं। तो इस तरह के गॉडेस हम देख चुके हैं, जैसे कि गॉडेस हिकाटे हैं, आपसे तुरंत आपकी हेल्प करती हैं, राइट। बट इनको अगर आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हो तो, क्योंकि कार्मिक इफेक्ट भी काफ़ी हद तक ख़त्म होते चले जाते हैं, इनकी इस तरह की मर्सी है, दया है, कृपा है, ओके। और ये कृपा हम सबको अपनी अपनी लाइफ में चाहिए, विशेष को मैनिफेस्ट करने में भी ये आपकी मदद करती हैं। कोई भी कहते हैं कि हम जब भी बहुत प्रॉब्लम में हों, या फिर कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है और आप इनको आवाज़ लगाओ तो उसका इफ़ेक्ट या फिर वो तुरंत पूरे होते हुए आप देखोगे, ठीक है। ये तुरंत रिस्पॉन्ड करती हैं, बल्कि इन्होंने इस चीज़ को ही एक तरह से मैं बोलूँ कि इसे अच्छे से वो कर पाती, दूसरों की मदद या फिर हर किसी को रिस्पॉन्ड कर पाती, ये उन्होंने मांगा भी था अपने आप अपने ईश्वर से कि मुझे हज़ार हाथ और हज़ार नेत्रों की शक्ति दो, ताकि कोई किसी वक्त भी पुकारे तो मैं तुरंत उसके पास पहुंच जाऊं, ठीक है ना। सो काफ़ी पावरफुल हैं गॉडेस, और इनका जो मंत्र है वो सिंपल सा है, नमो क्वान शी येन पूसा, नमो क्वान शी येन पूसा, सिंपल सा मंत्र है। जैसे हम अभी तक ग्रीन तारा मंत्र देखते आए हैं, ओके, ओम तारे तुतारे तूरे सोहा, उसका भी मिराकल हमने देखा है, वैसे ही ये हैं। और आप लोग इनको ज़रूर से प्रेयर करो, हर विश के लिए, हर चीज़ के लिए, किसी भी विश के लिए, स्टडीज़ हो, कोई भी, क्योंकि ये आपको फ्रेंड की तरह भी आपके साथ रहेंगी, मदर की तरह भी आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपके साथ रहेंगी, आपका आपको रास्ता दिखाएंगी, और एक स्पिरिचुअल गॉडेस की तरह या स्पिरिचुअल गुरु की तरह आपके कर्मों में भी आपको हेल्प करेंगी। जहाँ पे हम कार्मिक बैलेंस करने में लगे होते हैं ना, अगर आप इनके साथ इनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, इनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको, तो आप बहुत हद तक उसमें भी देखोगे कि आपको यस ब्लेसिंग्स मिल रही है और सफल हो रहे हो, ठीक है। अच्छा, इनको ना प्रेयर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जो लोग सी ये जो हीलिंग देती हैं हमें, हम बेसिकली हमारे हार्ट चक्रा पे हमें हेल्प मिलती है जब हम इनके प्रेयर्स करते हैं, इनके मंत्रों को चैंट करते हैं। आप देखोगे अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी आप एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, सैड हो, या फिर कोई एकदम से कोई ऐसी प्रॉब्लम अकर हो गई है लाइफ में, आ गई है अचानक से, जो कि दुखी कर रही है, उस टाइम पे आप इनके मंत्रों को जाप करके, ये छोटी सी ना अभी इसी वीडियो में आगे मैं एक छोटा सा प्रेयर करवाऊंगी जिसमें कि मंत्र का चैंटिंग भी है और लास्ट में प्रेयर भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड्स मिले हुए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे ये मत लिखिएगा कि आप इंग्लिश में बोलिए हिंदी में बोलिए। बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी समझते हैं, कभी कभी चीज़ों को थोड़ा मिक्स करके देना पड़ता है ताकि उनको भी तो समझ आए ना, थोड़ा सा मैनेज करके देखिए, चलिए आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है मैंने कि जिसको हम समझ नहीं पाए, आसानी से आप समझ जाएंगे।
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, रेकी और एक्यूपंचर, ठीक है, एक्यूपंचर और रेकी हम जानते हैं दो थेरेपीज़ हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को हील कर पाते हैं, ये उन दोनों को प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो हम रेकी की रेकी सीखने के लिए या फिर रेकी प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारी जगह जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं। बेस्ट है आप इनके इस मंत्र को करो, आपको वहाँ पे अपने आप ही वो जो रेकी में जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र से मिल सकता है। एक्यूपंचर हम सब जानते हैं कि हम एक्यूपंचर की थेरेपी कब लेते हैं, जब हमारी बॉडी सिक होती है, हम बीमार होते हैं, तो अपने आप को ठीक करने के लिए आप अगेन इस मंत्र को सुन सकते हो, इनसे प्रेयर कर सकते हो, उस चीज़ में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सिंपल से कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हार्ट चक्रा पे जब ये वर्क करता है तो आपकी बॉडी माइंड को बैलेंस करता है, एनर्जी का फ्लो आपके पूरे शरीर में बहुत अच्छा हो जाता है, और उसके बाद फिर आप जो भी प्रेयर करते हो, जो भी आप इनसे मांगते हो, जिस भी चीज़ के लिए आप इनको पुकारते हो, उसमें आप देखोगे एक मिराकुलस हेल्प मिलते हुए अपने लिए। ओके, बशर्ते आपकी विशेस फेयर होनी चाहिए, ये मत सोचना कि हम कुछ भी मांग लेंगे तो हो जाएगा। एनर्जीज हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही उनको कुछ पता नहीं है, वो आपके हेल्प के लिए हैं, वो कंपैशन के लिए हैं, लव के लिए हैं, अनकंडीशनल लव है उनकी तरफ से आपके लिए। आपको भी उतना रिस्पेक्ट उनके लिए रखना होगा, उतना फेथ रखना होगा, आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, यही तीन चीज़ें उन्हें दिखाती हैं कि आप उनको कितना रिस्पेक्ट करते हो एनर्जीज़ को। और फिर आप जब अपनी प्रेयर्स करते हो तो वो प्रेयर्स आपकी 100% फुलफ़िल होती है, बिकॉज़ इन ये जो गॉडेज हैं इनका इफ़ेक्ट ही यही है कि जैसे ही आप, इनकी क्वालिटी यही है कि जैसे ही आप इनको पुकारोगे तुरंत से आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो कोई जो विशेष आप लोगों की कामिक इफेक्ट की वजह से फुलफ़िल नहीं हो रही है या किसी वजह से बहुत डिलेज हो रहे थे, बहुत सारे चीज़ें करके देख लिए, इवन गॉडेस इकाटे भी कर लिया, लिलित भी कर लिया, नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोग ये करके देखो। और जो उन सबको कर भी रहे हैं तो क्या आप इनसे प्रेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ही काइंड गॉडेस हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं। आप जैसे पुकारोगे आपके विशेज, आपकी लाइफ में चेंज आप देखोगे, ठीक है। इवन हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं ना, जिनको भी हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो तो आंख बंद करके आप इस प्रेयर को, इस मंत्र को सुनो और प्रेयर करो आप इनसे, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि हम सिर्फ बाहर के इजिप्ट के या फिर हम चाइना के गॉडेस को मानने लग गए हैं, तो आप लोग इतनी सी चीज़ ध्यान रखो कि ये जितने भी गॉडेस या गॉड गॉडेसेस वहाँ गए हैं, उन सब का ओरिजिन इंडिया ही है, यहीं से ही ओरिजिनेट होके गए हैं। इनका भी आप पढ़ोगे तो ये अवलोकी तेश्वरा के नाम से थे, इंडियन बुद्धिस्ट हुआ, जो कि चाइना गए, वहाँ पे इनका नाम चेंज हुआ एंड फिर शक्तियाँ मिली तो फिर इन्होंने पूरे जितने भी होल सोल ह्यूमैनिटी है उसके लिए काम करना शुरू किया, लोगों को हील करना शुरू किया। इतनी सी बात हमें हमारे दिमाग में होनी चाहिए बस, ठीक है। अब इस वीडियो में ही आगे मैं प्रेयर ऐड कर रही हूँ, अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ, ताकि ये चीज़ें साथ में रहें। इसी में हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं, पहले चैंट रहेगा फिर प्रेयर है, तो आप साथ में चाहें तो चैंट कर सकते हैं, वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ सुन करके। और इनकी पिक्चर को आप ध्यान में ला सकते हो, इनकी पिक्चर को देख सकते हो, मदर की तरह आप इन्हें ट्रीट करना, हमेशा मातृत्व वाला भाव लेकर के आप इनसे प्रार्थना करना। माँ अपने बच्चों को कभी मना नहीं करती, तो ये भी कभी मना नहीं करेंगी, ये ज़रूर आएंगी आपकी मदद के लिए, ठीक है। बच्चों को पुकारने की देर होती है, हज़ार काम छोड़ के भी माएँ आती हैं, वही इनके साथ वही कैरेक्टर है इनका, वही क्वालिटी है इनकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। गॉडेस क्वान इन is the Bodhisattva of unconditional love and also an ascended master of the violet flame which transmutes karma. Goddess Kuan Yin के मंत्र को हम चैंट करेंगे अभी, उसके बाद हम गॉडेस से प्रार्थना करेंगे अपने विशेस के लिए, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को रिलीज करने के लिए। जो मंत्र है वो है नमो क्वान शी येन पूसा। इसका मतलब है हम बुद्धिस्टवा क्वान येन को अपनी सफरिंग्स, अपने फियर्स, अपने डर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ दे रहे हैं। उनकी हज़ार बाहें, हज़ार नेत्र हमारी तरफ प्यार से देख रहे हैं, हमें
हील कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं, उनके मर्सीफुल और कंपैशनेट ब्लेसिंग्स के थ्रू हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने डिवाइन टाइम को मैनिफेस्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस मंत्र के जाप को। इस मंत्र के बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे गॉडेस से, अपनी अपनी विशेस के लिए, अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मंत्र शुरू करते हैं, आप मेरे साथ चैंट कर सकते हैं या ध्यान लगा के सुन सकते हैं। नमो क्वान शी येन पूसा, 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 नमो क्वान शी येन पूसा। हे करुणा और दया की देवी क्वान येन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें, जिससे कि हम अपने जीवन में डिवाइन टाइमिंग को और डिवाइन वर्ड्स को मैनिफेस्ट कर पाएं। हमारे डिवाइन वर्ड्स जिसमें हमारी अपनी विशेज आती हैं, मनोकामना आती है, उनको हम पूरा कर पाएं। हे करुणामयी, हे प्रेम की देवी, आप हमारे दिलों में प्रेम भर दीजिए, हीलिंग दीजिए हमें। हमारी ये छोटी सी विनती जो हमारे मन में है वो आप सुनिए और उसे पूरा करने में हमारा साथ दीजिए। अब आप सब अपनी अपनी प्रार्थना गॉडेस क्विन येन से करें, सच्चे दिल से करें और इसके बाद उन्हें थैंक यू बोलें।